हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल डीजे व्लॉग में। मैं हूं अश्विन। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए क्या हूं यहां पे ये NX ऑडियो का डीजे मिक्सर, ये है 5 चैनल का दोस्तों मिक्सर। और यहां पे 5 चैनल के अंदर आपको माइक भी इनपुट्स मिल जाते हैं, माइक भी आप इसमें चला सकते हैं, डीजे भी प्ले कर सकते हैं और यहां पे अपने पीसी से कनेक्ट करके इसको भी प्ले कर सकते हैं। यानी ऑल ओवर सारी फीचर्स जो आपको देखने को मिल जाते हैं, मजा बहुत आने वाला वीडियो के अंदर। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा चैनल सब्सक्राइब करें। चलते हैं वीडियो तरफ, चलिए शुरू करते हैं। अभी दोस्तों हम अनबॉक्स कर लेते हैं हमारे मिक्सर को XM5U। यहां पे आपको मॉडल नंबर मेंशन करा गया है, 5 चैनल क्लब मिक्सर विद कंप्यूटर इंटीग्रेशन, ठीक है ना। इसके अलावा यहां पे आप सभी को मालूम है कि कुछ महीनों या कुछ सालों से देखा है कि आपने NX से काफ़ी ज़्यादा डुप्लीकेसी, अगेन डुप्लीकेट उसी का होता है जो सबसे ज़्यादा मार्केट में डिमांडेबल प्रोडक्ट होता है। तो अगेन यहाँ पे उसके लिए भी एक जो है वो चीज़ यहाँ पे दे दी गई है। यहाँ पे स्कैन द QR कोड, यहाँ पे QR कोड होता है बेसिकली, वो निकल चुका है, गिर चुका है मुझसे। तो यहाँ पे आप वो स्कैन करेंगे तो आपको फ़ोन में सारी डिटेल्स जो है वो मालूम चल जाएगी। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ पे इसके की फीचर्स की हाइलाइट्स जो है वो यहाँ पे मेंशन करे गए, जो कि यहाँ पे आपको डिटेल में दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे मैं आपको एक स्टिकर दिखाता हूँ, इसमें एक MRP प्राइस मेंशन होता है बट वो एक्चुअल प्राइस नहीं होता, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो चलिए मैं ना सबसे पहले इसको ओपन कर लेता हूँ, इसका मिक्सर दिखाता हूँ, क्या क्या चीज़ें आती हैं इसके साथ में वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। अनबॉक्स करने के बाद दोस्तों यहाँ पे मुझे मिलती है ये एक पावर कॉर्ड केबल, जो कि एक अच्छी खासी लेंथ के साथ में आता है। दूसरा यहाँ पे ये वाली केबल मिलती है जो कि USB केबल है, आप अपने PC से इसको कनेक्ट कर पाएंगे। इसके अलावा हम देख लेते हैं यहाँ पे मिक्सर में हमें क्या क्या फीचर्स जो है वो मिलता है। सबसे पहले मैं लुक और बिल्ड की बात करूँ दोस्तों, तो ये मेटल बिल्ड के साथ में, मेटल बॉडी है इसकी। दूसरा यहाँ पे आपको NX ऑडियो XM5U ब्रांडिंग आपको मिल जाती है। पर्टिकुलर किसी भी चैनल की बात करूं तो यहाँ पे आपके पास ये लाइन माइक का स्विच देखने को आपको मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं गेन नोब आपको मिलता है, ये आपको हाई मिड लो के तीनों नोब्स आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा ये क्यू का आपको स्विच देखने को मिलता है, हेडफोन में मॉनिटरिंग करना है किसी भी पर्टिकुलर चैनल को तो यहाँ से आप कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे ये क्रॉस फेडर असाइन का स्विच मिल जाता है, X और Y ये दो ऑप्शन है, बीच में अगर आप करेंगे तो यहाँ पे मास्टर जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, ये फेडर हो जाता है। फेडर की क्वालिटी की बात करूँ काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, अगेन स्मूथ के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा वाइड भी है ये फेडर, तो आपको एक चलाने में या फिर जो कि रिस्पॉन्स इसका मिलेगा वो काफ़ी अच्छा मिलेगा। अगर बात करूँ तो सभी चैनल में सेम ही आपको ऐसे मिल जाता है। स्विच के अंदर जो कि चेंजिंग है वो यहाँ पे तीसरे चैनल में है, तीसरे चैनल में जैसे कि ये USB हो जाता है, जो कि मैंने आपको यहाँ पे ये वाली केबल दिखाई थी, तो ये वाली जो केबल यहाँ पे काम आएगा, ये इस पे स्विच पे आप कर देंगे तो यहाँ पे ये USB पे चला जाएगा। बाकी हर एक चैनल पे अलग अलग इंडिकेटर्स, लेवल इंडिकेटर्स मिलते हैं। खैर यहाँ पे आपको मेन का तो मिलता ही मिलता है, लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलर चैनल्स पे भी अलग अलग आपको मिल जाता है, तो आप हर चीज़ यहाँ पे मतलब डिटेलिंग पे मॉनिटर कर पाएंगे। तो यहाँ पे ये जो है वो इंडिकेटर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। माइक वन की अगर मैं बात करूँ, यानी इनपुट वन की मैं बात करूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जिसमें माइक में आपको TS XLR दोनों के ऑप्शन मिलते हैं। बेसिकली दो माइक्स के इसके अंदर ऑप्शन है, दो में एक तो पीछे लगता है जो कि ये वाला चैनल को चलाता है यानी चैनल वन पे, और जो कि सेपरेट आपको दे दिया है। इसके अंदर आपको हाई मिड लो तीनों के ऑप्शन मिलते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं लेवल का ऑप्शन मिल जाता है। माइक ऑन करना है, ऑफ करना है, इसके लिए भी आपको ये स्विच जो है वो मिलता है। अगर मैं बात करूं मेन का तो पावर इंडिकेटर है यहाँ पे, ये हो जाता है बूथ का नोब, इसके नीचे आपको मास्टर का मिलता है, यहाँ पे लेवल मिल जाता है आपको साथ ही साथ, यानी ये क्यू लेवल है, इसके नीचे आप सकते हैं क्यू मिक्स का आपको नोब मिलता है, और यहाँ पे ये मिल जाता है आपको ब्लेंड स्प्लिट का, यहाँ पे ये स्विच देखने को मिलता है। अगेन यहाँ पे क्रॉस फेडर हो जाता है, यहाँ पे आप सकते हैं क्रॉस फेडर हो जाता है, ये आपको मिलता है क्रॉस फेडर स्लोप स्विच, यहाँ पे ये आप दोनों में से किस ऑप्शन पर रखना चाहते हैं जैसा आपका रिक्वायरमेंट हो वैसा आप यहाँ पे चलाइए। खैर फ्रंट से बहुत ज़्यादा आसान सा मुझे लगा, इजी सा लगा, कोई यहाँ पे पहाड़ तोड़ने वाला है रॉकेट साइंस वाली चीज़ नहीं दी गई है, तो मतलब कोई यूजलेस वाली चीज़ भी नहीं है और कोई ऐसी भी चीज़ इसके नहीं डाली है जो कि आपकी यूज़ ना हो। अगेन काफ़ी सारी चीज़ों पर ध्यान दिया गया है। पीछे की बात करूँ तो यहाँ पे अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। और अगर दोस्तों मैं बैक की बात करूँ तो यहाँ पे सिंपली आपको इनपुट आउटपुट्स जो है वो मिल जाते हैं। सबसे पहले ये पावर कॉर्ड का इनपुट है, इसके जस्ट ऊपर ही आपको यहाँ पे स्विच मिलता है ऑन ऑफ करने का, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि नीचे फ्यूज सॉकेट भी आपको देखने को मिल जाता है। और सबसे अच्छी बात मिक्सर में ये लगी कि इसके अंदर आपको ये बैलेंस आउटपुट्स मिल जाते हैं, ये XLR में है। इसके अलावा यहाँ पे ये जो कि RC का ऑप्शन है वो नहीं हटाया गया, RC का रखा गया, तो यहाँ पे RC मिल जाता है, बूथ का मिलता है, रिकॉर्ड करना है आपने तो यहाँ से आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये फोन जो कि है इसको
यहाँ पे कवर अप करा गया है। इसका बेसिकली कोई ज्यादा यूज तो कोई लेता ही नहीं है, सिंपली लाइन का जो है वो यहाँ पे यूज में लेते हैं। तो आपको सभी चैनल्स में सेम ऐसे ही देखने को मिलता है। जैसे कि बताया लाइन वन में, तो यहाँ पे आपके पास ये दो ऑप्शन हो जाते हैं। जैसे कि इसके अंदर माइक है, तो दो माइक आप इसमें चला सकते हैं, और पीछे से यहाँ से आप इसको स्विच से जो है यहाँ से भी इसको अलग अलग यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। फ्रंट पे भी आपको मिलता है, बैक पे भी यहाँ पे आपको सारी चीजें मिल जाती है। अगेन यहाँ पे ये यूएसबी वाला जो कि मैंने दिखाया था, जो कि केबल लगती है वो यहाँ लगती है, तो आप यहाँ से जो कनेक्ट कर सकते हैं अपने पीसी को। और अगेन काफी सिंपल सा है इसका बैक भी। दोस्तों कैसे लगे अनबॉक्सिंग और बाकी डिटेल्स इस मिक्सर के जरूर नीचे कमेंट्स बताना। अगेन दोस्तों ओवरऑल मेरे एक्सपीरियंस से बात करो, या फिर मैंने अभी तक जितने भी मिक्सर यूज करे हैं, सिंपली मैं कहूंगा भाई यहाँ पे ये वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। अगेन एनएक्स का जब नाम जुड़ जाता है किसी भी प्रोडक्ट पे, तो अगेन वो ऐसा नहीं है कि आज आया मार्केट में आज दे दिया, यानी काफी टाइम से प्लानिंग चलती है इनके प्रोडक्ट्स की, काफी टाइम से इनके प्रोडक्ट टेस्ट होते हैं, देन फिर मार्केट में जो है वो लॉन्च किए जाते हैं। तो पूरा भरोसा है इनके प्रोडक्ट्स पे। दूसरा मैं कहूंगा यहाँ पे आपको माइक के ऑप्शंस दो मिल जाते हैं, तो कई जगह पे काफी जगह पे अगेन आप मैंने ये देखा है कि किसी का बजट कोई भी डीजे सेटअप लेता है, तो अगर ये मिक्सर लेता है तो वहां पे सबसे पहले उनकी प्रॉब्लम ये दूर हो जाती है कि वो डीजे भी कर लेगा, वहां पे अगर आप दो माइक भी चलाना चाहते हैं छोटा मोटा प्रोग्राम, लाइक एक मिक्सर है आपने रख लिया, एक सिंगर ने गाना गा लिया, एक में आपने कैरियोके भी कर लिया, फिर कुछ इंस्ट्रूमेंट चला दिया, तो इससे एक कहूंगा मैं कि ओवरऑल सारी चीजें जो है वो यहाँ पे पूरी दे दी गई हैं। और अब रहती है दोस्तों यहाँ पे इसकी टेस्टिंग, तो टेस्टिंग मैं भी आपको दिखाता हूँ हर एक चीज फंक्शंस में। दूसरा एक चीज मैं भूल गया था यहाँ पे दोस्तों, कि इसके नीचे जो है ना यहाँ पे आप देखिएगा, तो यहाँ पे आपको ये हेडफोन का जो आउटपुट है वो मिलता है, साथ ही साथ ये QR कोड भी मिलता है, यानी जो कि स्कैन करने वाला ऑप्शन है वो मैंने यहाँ पे नीचे दे दिया गया है, और ऐसे आप इसको स्कैन कर सकते हैं इसकी ओरिजिनलिटी पहचानने के लिए, तो यहाँ पे ये आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। चलिए अभी हम देखते हैं मस्त इसकी टेस्टिंग और कैसा बज रहा है, कैसी इसकी क्वालिटी, वो मैं आपके यहाँ पे दिखाता हूँ। दोस्तों यहाँ पे बात करूँ टेस्टिंग के लिए, तो टेस्टिंग के लिए दोस्तों यहाँ पे मैंने अभी एक मॉनिटर कनेक्ट करा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे वो भी ब्लू बेस का ही मॉनिटर आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे अगर मैं इनपुट आउटपुट की बात करूँ, तो ये देख लीजिए जो कि XLR है, हमने एक आउटपुट ले रखा है क्योंकि मैंने एक मॉनिटर कनेक्ट करा हुआ है। यहाँ पे इनपुट मैंने करा हुआ है RC से, 4 चैनल को मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको इस बटन को ऊपर करना पड़ेगा ताकि आप लाइन में जो इनपुट करा है आप वहां से यूज में ले सके। पीसी से कनेक्ट करा हुआ है, पीसी के अलावा इस वायर के अलावा जो कि आपको एक वायर यहाँ पे यूएसबी वाला मिलता है, तो डायरेक्टली आप यहाँ से जो वो कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पे यूएसबी का फंक्शन मिल जाता है, ठीक है ना। अभी मैं यहाँ से गाना प्ले करता हूँ और आपको आउटपुट दिखाऊंगा। यहाँ पे आप देख लीजिए गाना अभी आउटपुट गया भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे इंडिकेटर शो कर दिया कि आप कितने डीबी प्लस माइनस जा रहे हैं, तो यहाँ से आप कहीं से भी मेंटेन कर सकते हैं। आपको माइनस पे रखना है, प्लस पे रखना है, आप वहां पे मेंटेन कर सकते हैं। मैं यहाँ से वॉल्यूम अप करता हूँ, चीज बिल्कुल परफेक्टली काम कर रही है हर एक कॉम्बिनेशन के साथ में, यानी जितना आपने अप करा उतना ही मिलेगा, जितना डाउन करा उतना ही मिलेगा, ये मेरे को अभी फील हो रहा है। और इसके साथ मैं हेडफोन भी सुना के आपको दिखाता हूँ, तो जो कि यहाँ पे क्यू है, क्यू का फंक्शन कैसे काम कर रहा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। हर एक चैनल पे यहाँ पे आपको क्यू मिल जाता है, तो आप किसी भी चैनल पे इनपुट कर रहे हैं, आपको पहले सुनना है कि भाई यहाँ का आना कौन सा बज रहा है, या फिर जब मिक्सिंग करते हैं तो ये जो पॉइंट है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक मैं यहाँ पे हेडफोन प्लेस करता हूँ, खैर मैं आपको सुनाऊंगा मैं क्या ही सुनूंगा। कह रहा भी मैं देखिए 4 चैनल पे चल रहा था, यहाँ से मैंने क्यू दबाया और यहाँ पे गाना प्ले होने लग गया। अभी क्यू का लेवल है ये, यहाँ से आपको हेडफोन का मिलता है, ये देख सकते हैं, ये मैं बढ़ा रहा हूँ कम ज्यादा कर रहा हूँ, तो यहाँ से, और इसके अंदर भी बेस कम ज्यादा होता है। अगेन ये वाला फीचर जो है वो सारे फीचर्स है इसके अंदर, कोई भी फीचर्स को यहाँ पे छोड़ा हुआ नहीं है। और टेस्टिंग आप सभी को पसंद आई होगी, मेरा भी दिल खुश हो गया, खैर पुरानी यादें ताजा हो गई हैं। चलिए अभी मैं आपको और भी डिटेल यहाँ पे देता हूँ। दोस्तों कैसा लगे टेस्टिंग, कैसा लगा दोस्तों परफॉर्मेंस इस मिक्सर का, जरूर नीचे कमेंट्स बताना। आई होप आपको यहाँ पे ये पसंद आया होगा। ओवरऑल मैं कहूँ हर एक चीज में यहाँ पे मुझे परफेक्ट लगा, कोई भी कमी मेरे को नहीं दिख रही है।
इसके अलावा यहाँ पे बात करूंगा इसके प्राइसिंग अवेलेबिलिटी कहाँ से अवेलेबल होगा, तो यहाँ पे आपको एक नंबर शोर होगा दोस्तों, ये एनएक्स ऑडियो का नंबर है, या फिर अपने नियरेस्ट डीलर से जो है वो बाय इसको आप कर सकते हैं, तो आपको सारी डिटेल जो है वो मिल जाएगी यहाँ पे इस नंबर पे। बाकी दोस्तों वीडियो का पसंद आए तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, ज्यादा चैनल सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ अच्छी वीडियो में, जब तक जय हिंद वंदे मातरम।